रुक कर लेते हैं राजधानी भोपाल का, तो मंत्री नागर सिंह चौहान दिल्ली तलब कर दिए गए हैं। बगावती तेवर पर पार्टी हाईकमान सख्त है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, फिलहाल नागर सिंह चौहान को नहीं दिया जाएगा कोई अन्य विभाग, ऐसी सूत्रों से जानकारी हमारे पास आ रही है। सीएम से हुई नागर सिंह चौहान की चर्चा, नागर सिंह चौहान अब भी नाराज बताए जा रहे हैं। संगठन महामंत्री को मामला सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई है, तो सूत्रों के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। नागर सिंह अभी भी नाराज बताए जा रहे हैं, संगठन महामंत्री को मामला सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो मंत्री नागर सिंह चौहान दिल्ली तलब कर दिए गए हैं। बगावती तेवर पर पार्टी हाईकमान सख्त नजर आ रहे हैं, तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें मंत्री नागर सिंह वही है जो कल उनकी नाराजगी मीडिया के सामने जाहिर हुई थी। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग, बड़ी खबर इस वक्त की ये निकलकर सामने आ रही है कि अब नागर सिंह चौहान को दिल्ली तलब कर दिया गया है, इसके साथ साथ संगठन महामंत्री को मामला सुलझाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रही है। सीएम से भी इनकी चर्चा हुई है, क्या कुछ पूरा अपडेट है? दिल्ली तलब किया गया है, क्या कुछ आगे अब इस मामले पर देखने को मिल सकता है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नागर सिंह चौहान ने इस तरह के तेवर अपनाए, खुलकर मीडिया से जैसी बात की, वो कहीं ना कहीं दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी के ठीक नहीं लगा है। उनका मानना था कि नागर सिंह चौहान को ये बात संगठन के भीतर कहनी थी, ना कि मीडिया के सामने, और यही कारण है कि फिलहाल दिल्ली का रुख काफी सख्त है। भोपाल जो संदेश दिया गया है सूत्रों के मुताबिक, वो संदेश ये दिया गया है कि फिलहाल उनको उतने ही विभाग दिए जाएं जो वर्तमान के पास है, यानी कि सिर्फ अनुसूचित जाति के वो जो है मंत्री रहेंगे, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री रहेंगे। उनके पास पहले अनुसूचित जाति कल्याण और वन विभाग दोनों था, तो स्थिति बड़ी टकराव की बन गई है, क्योंकि नागर सिंह चौहान, मतलब ये पहली बार हुआ है मध्य प्रदेश के भाजपा के राजनीतिक इतिहास में कि किसी मंत्री ने इतने बगावती तेवर दिखाए हों, और दिल्ली की सख्ती के बाद भी जिस तरह से उनका मूड नजर आ रहा है वो मानने वाला मूड नजर नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि टकराव की स्थिति को सुलझाने के लिए अब संगठन महामंत्री को ये जिम्मेदारी दी गई है, खासतौर पर क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष आज बजट सत्र के कारण व्यस्त रहेंगे और मुख्यमंत्री जो है उनको लेके भी नागर सिंह चौहान नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, तो बीच का रास्ता निकालने की जिम्मेदारी जो है अब वो संगठन महामंत्री को दी गई है। देखना ये होगा कि आज क्या चर्चा होती है और परिणाम किस तरह के निकलते हैं। बिल्कुल अनुराग, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।